परिसर स्थित मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देश एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताए गए आदेशों के अनुसार मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ी मुरादाबाद बढ़ी मुरादाबाद में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। पढ़ेगा मुरादाबाद तो बढ़ेगा मुरादाबाद। अजय सक्सेना के साथ रवि शुक्ला की रिपोर्ट। मैडम क्या स्कूल में कुछ आज हमारे विद्यालय मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैं यहाँ की प्रधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया निर्देश एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताए गए आदेशों के अनुसार आज हमने अपने कॉलेज में मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज ये बड़े मुरादाबाद पे हमने एक कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही उल्लास के साथ कार्यक्रम बहुत पार्टिसिपेट किया और उनका मानना है कि पढ़ेगा मुरादाबाद तभी तो बढ़ेगा मुरादाबाद और शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जिसके बच्चा जो है आगे बढ़ सकता है। हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे प्रकार से ये समझाया और उसमें बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक अपना बहुत उत्साह दिखाया। नाम क्या? मुझे मोहम्मद उस्मान कहते हैं। आज़ाद गर्ल्स कॉलेज का मैं प्रबंधक हूँ और आज यहाँ पर यानी बच्चियाँ पढ़ाओ और शिक्षा दिलाओ आज ये यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। इसका मैं समझता हूँ कि शिक्षा के बिना इंसान क्या आदमी क्या सब बेकार है। शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा ही आदमी को जीवन देती है और शिक्षा ही आगे को ले जाती है। जी सर। जी मुझे मुफ्ती आज़म कहते हैं। मैं एक्स मैनेजर मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज का जो ये प्रोग्राम है पढ़ेगा मुरादाबाद बढ़ेगा मुरादाबाद, ऐसे तो ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू होता है लेकिन क्योंकि हम शहर मुरादाबाद के अंदर बैठे हुए हैं तो हम यहाँ बैठकर मुरादाबाद की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से लड़कियों की तालीम इस देश के लिए इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बच्ची पढ़ती है तो एक ख़ानदान पूरा पड़ा माना जाता है। आने वाली नस्लें उससे ही सुधरती हैं। उसका काम घर में रहना होता है और घर में रह के आने वाले बच्चों को तालीम शिक्षा सभ्यता सब चीज़ दिलाना उसी का काम होता है क्योंकि तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है।